2022 सूचना का युग है, सूचना का। जैसे अब तो मोबाइल, आप सारे लोग मोबाइल रखे होंगे, हम नहीं रखते मोबाइल अपने पास, हम क्लास में रखते ही नहीं। आप कहीं भी पता कर लीजिए, मैं क्लास लेने आता हूं तो मैं मोबाइल अपने साथ नहीं रखता। मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूं, मैं मोबाइल लेके नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं मूवी देखने जा रहा हूं तो मोबाइल लेके बैठूंगा मैं। तुमको पता नहीं कि ये मोबाइल तुम्हारा किस तरह से तुम्हें विनाश, तुमको बर्बाद कर। मोबाइल है बड़ी अच्छी चीज। अब जैसे मुझे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, देश के बड़े बड़े इकोनॉमी के टीचर हैं, सबका लेक्चर अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे। इकोनॉमिक सर्वे आया, 10-12 टीचरों ने समझाया उसको, सुन लीजिए कितनी यूजफुल चीज है। लेकिन मोबाइल को निरंतर अपने साथ मत रखिए, नहीं तो ये कुछ नहीं करने देगा आप। इसकी एक बड़ी खतरनाक आदत है, वो आपको अभी एहसास नहीं होगा, ये आपकी जो कंसंट्रेशन की क्षमता है ना उसको मार देगा। फिर कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे, कंसंट्रेशन एक बार खत्म हुआ, मतलब टूटा, बिखरा, उसको दोबारा बनाना बहुत मुश्किल काम। दुनिया में अगर मन की स्थिरता को चेक करना है तो आदमी को किताब दे दो, मन जो है ना सारी किताबों को अब्सॉर्ब नहीं करता। किसी के मन की स्थिति चेक करनी है उसे किताब दे दो। कुछ लोग एक पेज पे सोने लगेंगे, कुछ दो, कुछ पांच, कुछ आठ, क्योंकि अगर वो समझेगा नहीं तो वो सोने लगेगा, ये उसकी बड़ी खास बात है। इसलिए आज लोगों के लिए किताब पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। और उसकी मेन वजह है ये मोबाइल, इसने लोगों के कंसंट्रेशन को खत्म कर दिया, मार दिया। लाइब्रेरी मूवमेंट में क्या होता था, लाइब्रेरी भारत में एक मूवमेंट चलता था, लाइब्रेरी मूवमेंट क्या होता था कि हर गांव में एक न्यूज़पेपर आता था, एक कम्युनिटी रूम होता था, वहां पे एक चारपाई रखी होती थी और उस गांव का जो पढ़ा लिखा आदमी होता था वो उस पूरे न्यूज़पेपर को पढ़कर गांव के लोगों को सुनाता था। 4-5 गांव के लोग मिलकर आते थे सुनने के लिए। यह परंपरा आज भी जारी है इस देश में। सुबह 6 बजे लोग चाय की दुकान में पहुंच जाते हैं और जितना अच्छा करंट अफेयर उनका है उतना तैयारी करने वालों का नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर को तैयार करने का एक ही तरीका है, ग्रुप। ये जो छोटी छोटी चाय की दुकानें बनी थी यही तरीका ही था न्यूज, आज भी गांव गांव में प्रथा, आज भी शहरों में भी है कि सुबह 6 बजे लोग आ जाते हैं घर से और एक आदमी पेपर पढ़ता है और फिर 4 लोग बैठ के एनालिसिस करते हैं और जितने गांव के आदमी को यूक्रेन और रूस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी उतना इस क्लास में बैठे हुए लोगों को नहीं होगी। कौन सी पनडुब्बी डूबी है, उसकी खासियत क्या थी, सब बता देंगे वो, क्योंकि 6 से 10 बैठना है दिन भर। सुबह 6 बजे एक चाय ले ली, बैठे हुए और 4 लोग रूस की तरफ से हैं, 2 यूक्रेन की तरफ से। यार ज़ेलेंस्की या बहादुर जो है ना डटा हुआ है, दूसरी पार्टी करेगी मार रहे हैं सब पटक के। वहां ऐसे थोड़ी बहस होती, वहां तो लीगल भाषा में होती है, आजकल तो मारपीट भी हो जाती है। लेकिन एक बार मैं बार बार आपसे कहता हूं कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, होता ही नहीं, कुछ नहीं होता। पढ़ने लिखने से कुछ होता ही नहीं। पढ़ाई का एक ही उद्देश्य है, दिमाग को खोलना,
इज इक्वल टू ई, एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटनमेंट। मतलब जब तुम स्कूल से निकलो तो तुम्हें देखकर चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर तुमको चीजें देखकर समझ में नहीं आती तो पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं, कुछ नहीं होता पढ़ने से, कुछ होता ही नहीं। पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य है दिमाग को खोलना। पढ़ना नौकरी के लिए नहीं होता है। इस देश ने एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट बना दिया, पढ़ना मतलब नौकरी। और ये मकाले की देन है नौकरी, वो भी सरकारी। बाईस साल का लड़का यहां डिप्रेशन में, 22 years 90। इसीलिए जानवर की जो योनी है वो निकृष्ट योनी मानी गई है, क्योंकि वहां उत्थान का कोई रास्ता नहीं। जानवर इंद्रियों पर पैदा हुआ, इंद्रियों पर मरेगा। मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो इंद्रियों पर पैदा तो हुआ है, लेकिन इंद्रियों से उठकर वो अपनी चेतना तक जा सकता है। मतलब भगवान बनने की क्षमता है उसके अंदर। ये धर्म का उद्देश्य है। जय हिंद।